आपके मेरे स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपके चैट पे या स्पीकर? ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब देखा था कि लूप्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के, लूप बाय लूप डू बाय लूप, और मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स हमने डिटेल में पढ़ा है कि न्यू और डिलीट मेमोरी ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब हम लोग बना रहे हैं, जो वो क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए मेमोरी कैसे एलोकेट किया जाता है। सभी लोग तो पहले एनरोलमेंट नंबर टाइप करो और वापस से टाइप करो, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले टाइप किया था वो भी टाइप करो। और दूसरी चीज ये है कि जो गूगल लिंक करो भाई, गूगल लिंक, गूगल वो जो मेरा लेक्चर का गूगल फॉर्म का लिंक है उसको सेंड करो। माजिद, थैंक यू माजिद फॉर सेंडिंग इट। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, अभी डिस्क्रिप्शन में मेमोरी स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। अब ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, क्या लिखा है, मेमोरी स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को कितनी जगह लगती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को कितनी रैम में जगह लगती है, वो कब एलोकेट किया जाता है, जब उसको डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया और उसके सामने लिख दिया एस वन, तो ये मेरा डिक्लेरेशन है, उसको मैं डिक्लेरेशन बोलता हूँ। ठीक है, तो दूसरा लाइन क्या है, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन जैसे गेट डेटा पुट डेटा जैसे फंक्शन होते हैं, जब उनको क्रिएट किया जाता है एंड प्लेस इन द मेमोरी स्पेस ओनली वन, मतलब जब उनको बनाया जाता है तो उनके कॉलिंग के टाइम पे ही उनको एक बार मेमोरी में जगह मिलती है, और व्हेन दे आर डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द क्लास स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, अगर क्लास में कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, एक हो दो हो तीन ऑब्जेक्ट हो, उन सभी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप मेंबर फंक्शन, वही मेंबर फंक्शन बार बार यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एस वन के लिए गेट डेटा यूज किया, ठीक है, फिर एस टू के लिए फिर से गेट डेटा यूज किया, ऐसा नहीं कि एस वन के लिए ये गेट डेटा को अलग 10 KB का मेमोरी मिलेगा, इसके लिए अलग 10 KB का मेमोरी मिलेगा। देखो एस वन के लिए एस टू के लिए मेमोरी अलग मिलेगी जरूर, बट गेट डेटा के लिए मेमोरी अलग नहीं मिलेगी, सेम मेमोरी मिलेगी, क्या मिलेगी, सेम मेमोरी मिलेगी। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ आगे के लिस्ट में। तो नो सेपरेट स्पेस इज एलोकेटेड फॉर अ मेंबर फंक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, मतलब जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो उसके लिए हर ऑब्जेक्ट जब उन फंक्शंस को इस्तेमाल करेगा तो उनके लिए बार बार मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओनली स्पेस फॉर अ मेंबर वेरिएबल इज एलोकेटेड सेपरेटली, मतलब सिर्फ मेंबर्स वेरिएबल जो होगी, हर ऑब्जेक्ट मेंबर वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लास है, ठीक है, क्लास स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने इंटीजर रोल नंबर दिया, ठीक है, क्लास खत्म हो गया, मेन फंक्शन में मैंने लिखा वर्ड मेन, ठीक है, उसके अंदर लिखा स्टूडेंट S1, द मोमेंट मैं S1 लिखता हूँ, मैंने क्या किया, फंक्शन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया कि नहीं, तो मतलब दिस लाइन हैव बीन डन, तो मतलब जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया तो ये S1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का, है ना, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो रोल नंबर नाम का ये जो वेरिएबल है ये क्लास स्टूडेंट का ही है, तो इसको 2 bytes ऑफ मेमोरी लगने वाली है, 2 bytes ऑफ मेमोरी, तो रैम के लिए अंदर S1 के लिए खास करके रोल नंबर की मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रोल नंबर के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और वेरिएबल बनाया एस टू, तो एस टू भी यही रोल नंबर यूज करेगा, तो एस टू के लिए भी सेपरेटली वापस रोल नंबर के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, समझ में आ रहा है, हो सकता है ना कि ये स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है तो ये रोल उसका नंबर रोल नंबर 11 हो सकता है, तो डिफरेंट वैल्यूज इनके पास है तो ऑब्वियसली डिफरेंट मेमोरी लोकेशन लग,
डिसमेंबर वेरिएबल्स, जो मेरे हैं अभी, ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, इनके लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी लगने वाली है, इसके लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी लगने वाली है। बट जब आप ऐसा करोगे, एस वन डॉट सपोज गेट डेटा लिखोगे, अगर गेट डेटा कोई फंक्शन है, और एस टू डॉट गेट डेटा फंक्शन लिखोगे, ठीक है, तो सिंस ऑब्जेक्ट अलग है मगर फंक्शन तो सेम है ना, तो इनके लिए मेमोरी अलग नहीं लगेगी, इनके लिए मेमोरी अलग नहीं लगेगी। तो प्रैक्टिकली जरा देखते हैं हम लोग प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखो अभी एक प्रोग्राम है, एक क्लास स्टूडेंट बना हमने, इसके अंदर मैं फंक्शन जो बना रहा हूँ वो डायरेक्टली बना रहा हूँ, पब्लिकली एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है व्हाट फूड डेटा, उसके अंदर इंटीजर, रोल नंबर और एज। ठीक है, फिर सीआउट लेके रोल नंबर लेता हूँ, फिर मैं सीआउट एज ले रहा हूँ, और फिर वो मेरा फूड डेटा क्लोज हुआ और क्लास स्टूडेंट मेरी क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन का ना काम ये बताना कि भाई अब आप एस वन ऑब्जेक्ट रन कर रहे हो और रोल नंबर आपका रोल है, एज आपका एज, ये रोल यहाँ से आएगा, एज यहाँ से, यहाँ से आएगा। सर अभी आवाज बराबर आ रही है मेरी? एवरी वन प्लीज रिप्लाई अवर चैट, इज माई ऑडिबल वॉइस क्लियरली ऑडिबल नाउ? ओके ठीक है, ये पार्ट में फिर से करता हूँ। देखो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच लिए, एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिकली, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से, और उस फंक्शन का नाम है वॉइड फूड डेटा। उसके अंदर पैरामीटर के अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, इंटीजर, रोल नंबर एंड नेम, और खाली प्रोग्राम समझ के लोग, पढ़ के लोग कि क्या प्रोग्राम, समझना आगे का काम है अपना। ठीक है, प्रोग्राम में कुछ नया है, अलग है, वो बताऊंगा मैं आगे, एकदम डीप में जाएंगे तब हम लोग। फूड डेटा फंक्शन स्टार्ट हुआ, फिर सी आउट लिखे क्लास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एस वन, फिर सी आउट रोल नंबर इस, ये आउटपुट स्क्रीन में लिखकर आएगा, और यहाँ जो रोल नंबर है वही रोल नंबर यहाँ पे। ठीक है, फिर सी आउट एज इज, एज आया और यहाँ पे मेरा ये फंक्शन क्लोज हुआ, अब मेरे क्लास खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग मेन फंक्शन बना, मेन फंक्शन मेरा स्टार्ट हो रहा है, और इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10 20 है। ठीक है, मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, स्क्रीन क्लियर किए। अब एस वन एस टू एस थ्री, अब यहाँ पे हुआ ये है कि जो मेरे तीन ऑब्जेक्ट है एस वन एस टू एस थ्री, इसमें मैं ये तीन ऑब्जेक्ट जब मैं बना रहा हूँ तो रैम में इन तीनों ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी डिक्लेयर्ड हो जाएगी। क्या मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी, सिंस एस वन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट स्टूडेंट क्लास है ना, तो इसमें मैंने वेरिएबल्स क्या यूज किया है, रोल नंबर एंड एज, तो इनके लिए 2 बाइट, इनके लिए 2 बाइट, ये दो दो बाइट मेमोरी मेरे लिए रिजर्व हो जाएगी एस वन के लिए, फिर वैसे ही एस टू के लिए भी दो दो बाइट, एस थ्री के लिए भी दो दो बाइट, मतलब 4 बाइट इसके लिए रिजर्व होगी, 4 बाइट इसके लिए रिजर्व होगी, 4 बाइट इसके लिए रिजर्व। वैसे देखो रैम में मेरा एस वन जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए मेरे पास रोल नंबर के लिए 2 बाइट रिजर्व हुई है, एज के लिए 2 बाइट रिजर्व हुई है, तो 4 बाइट हो गया। एस टू के लिए मेमोरी मेरी रिजर्व हो गई, डिक्लेयर किया मैंने, है ना, फिर एस थ्री के लिए मेरी मेमोरी रिजर्व हुई है, अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस है, वेरिएबल का नाम सेम है, वेरिएबल का नाम देखो सेम है, बट दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस, इसका रोल का एड्रेस अलग है, इसका मेमोरी एड्रेस अलग है, इसका मेमोरी एड्रेस अलग है, बराबर ना। तो जैसी ये लाइन हम लिखते हैं, व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिक्लेयर्ड द ऑब्जेक्ट, वी हैव डिक्लेयर्ड द ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, द मोमेंट वी डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट रैम के अंदर मेमोरी रिजर्व हो जाती है, मेमोरी ऑब्जेक्ट के लिए रिजर्व हो जाती है। तो अगर यहाँ पे आप वापस आते हो ये थ्योरी की लाइन में, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था मेमोरी स्पेस,
स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। ये लाइन का मीनिंग वही है कि मेमोरी स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। मैं अभी प्रोग्राम नहीं समझा रहा, मैं ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी स्पेस समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम्स के अंदर का फंक्शनैलिटी पे हम लोग आएंगे अमान। ठीक है, अब देखो द मोमेंट मैंने यहाँ पे एस वन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो रैम के अंदर एस वन ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई, ये रैम है मेरा, ठीक है, रिजर्व हो गई। अब यहाँ पे एस वन ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई, वैसे ही एस टू के लिए भी मेरी मेमोरी रिजर्व हो गई, फिर एस थ्री के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई। मतलब इन शॉर्ट मेरे हर स्टूडेंट के लिए रैम में वेरिएबल्स के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे द मोमेंट मैंने ये लाइन लिखा तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या होगा बोलो, ये फंक्शन कॉल होगा, क्या होगा, फंक्शन कॉल। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये रैम में मेरे पास मेमोरी, एक मेमोरी का नाम है स्टैक, एक मेमोरी का नाम है ग्लोबल स्टैटिक। क्या नाम है? ग्लोबल स्टैटिक। रैम के अंदर यूजुअली तीन टाइप की मेमोरी, पहली मेमोरी होती है स्टैक, और भी रहती है फिलहाल आप समझ के लो ग्लोबल, और तीसरी है हीप, ठीक है। रैम के अंदर तीन टाइप की मेमोरी। इधर मैं अगर इसको सिंपल एग्जांपल बोलूं तो घर में कबाड़ होता है ना, कबाड़ में क्या रखते हैं, क्या रखते हैं कबाड़ में, दूध है ना, बटाटे, टमाटर, अच्छा कपड़े लगते हैं, बराबर। अगर कबाड़ में जाओ, कबाड़ इज ऑल्सो स्टोरेज, कबाड़ कौन सा स्टोरेज है, इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज। क्यों? कपड़े बदलते रहते ना, उधर धुलने को जाते हैं, फिर वापस आते, उसमें से कपड़े निकाल के आप पहनते हो, फिर रखते हो, इट इज ऑल्सो टेम्पररी स्टोरेज। और उस कबाड़ में स्टोरेज का फंडा थोड़ा अलग होता, वहां पे कपड़े लटका के रखे जाते हैं, कपड़े लटका के रखे जाते हैं है ना, कुछ कपड़े लटका के रखे जाते हैं, कुछ शेल्फ टाइप होता है, कुछ लॉकर टाइप होता है ना, कहीं ड्रॉअर टाइप होता है, आपको ड्रॉअर टाइप मिलता है, कोई ड्रॉअर टाइप, कुछ डायरेक्टली ऐसे बॉक्स रहते हैं जहाँ पे कपड़े की फाइल्स रखी रहती है, बराबर। तो डिफरेंट तरीके से हम लोग चीजें रखते हैं। वैसे ही रैम के अंदर एक मेमोरी मेरी स्टैक मेमोरी है जो कि ये है, ग्लोबल स्टैटिक मेमोरी ये है, हीप मेमोरी को रहने दो अभी, वो यूज में हम लोग को है नहीं फिलहाल, ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं कराऊंगा आपको। ये सब चीज आप डिटेल में वापस से ओएसआई नाम का सब्जेक्ट थर्ड ईयर में आएगा तब सीखोगे, फिलहाल के लिए जो अभी लग रहा है हम उस पर आते हैं। तो स्टैक मेमोरी का फंडा कैसे मैं बताता हूँ, स्टैक मेमोरी का फंडा आप डीप में थर्ड चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर में करने वाले। स्टैक मेमोरी ऐसी होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ए स्टोर करना है, इसका इंडेक्स लोकेशन ऐसा होगा, ठीक है, ए स्टोर करना, तो ए सबसे पहले यहाँ पे चला जाएगा, फिर आपको बी स्टोर करना है, बी यहाँ चला गया, सी स्टोर करना है, सी यहाँ गया, डी स्टोर करना है, डी यहाँ गया, ई स्टोर करना है, ई यहाँ गया, ठीक है। अगर सबसे पहले बाहर निकलेगा कौन सा, अगर बाहर निकालोगे, स्टैक का रूल ये है कि सबसे पहले ई बाहर निकलेगा, ई बाहर निकलेगा, नॉट ए। स्टैक का रूल ये है कि लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में इन हुआ तो सबसे पहले बाहर आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में कौन इन हुआ, ई, ई इन हुआ ना, तो सबसे पहले ई बाहर आएगा, समझे। या आप थर्ड चैप्टर में आपको डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में डिटेल में इसका प्रोग्राम है, तो 60-70 लाइन का प्रोग्राम है, तो आप सीखोगे इंशाल्लाह। मैं तो फिलहाल अपनी रिक्वायरमेंट, अपने को रैम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ होने वाला क्या है कि सबसे पहले प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है मेरा, ये पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट होता है, विच फंक्शन एग्जीक्यूट फर्स्ट, सब लोग पहले बताओ सबसे पहला कौन सा फंक्शन रन होता है, मेन, बराबर। तो मेन फंक्शन जब रन होगा तो ये स्टैक मेमोरी है, बराबर ना, स्टैक मेमोरी है, इसमें सबसे पहले रैम आए, मेन फंक्शन आ जाएगा, सबसे पहले
मेन फंक्शन है, दिख रहा है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन है, तो इसका मतलब सबसे आखिरी में कौन निकलने वाला है? चैट को सबसे आखिरी में कौन निकलेगा? मेन फंक्शन, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट का फंडा क्या हुआ, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले निकलेगा, पर जो सबसे लास्ट में आया वो पहले निकलेगा, तो उसका उल्टा ही हुआ ना, जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में निकलेगा। ग्लोबल स्टैटिक मेमोरी का फंडा क्या है? ग्लोबल स्टैटिक मेमोरी का मतलब यहाँ पे जो मेम डेटा रखोगे ये शेयर्ड मेमोरी होगी। क्या होगी? शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी मतलब जैसे कबर्ड के अंदर एक एक सेक्शन होता है बड़े भाई का, एक सेक्शन होता है अब्बा का, एक सेक्शन होता है अम्मी का, है ना, शेल्फ्स होते हैं, एक एक शेल्फ सबके नाम पर डिक्लेयर हो जाता है, ये शेल्फ में मेरे कपड़े, ये शेल्फ में बहन के कपड़े, शेल्फ में भाई के कपड़े, शेल्फ में अब्बू के कपड़े, बट जो ड्रॉअर होता है वो कॉमन होता है, ड्रॉअर जो होता है वो कॉमन होता है ना, ड्रॉअर होता है जो कॉमन होता है, उसके अंदर सबके सामान पड़े होते हैं, सबके सामान पड़े होते हैं। वैसे ही यहाँ पे रैम के अंदर ग्लोबल जो है, मेरा ग्लोबल एंड स्टैटिक मेमोरी जो है ये शेयर्ड मेमोरी है, इसके अंदर सबके लिए डेटा रहेगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेरे पास, यहाँ पे जब मैं था तब S1 ऑब्जेक्ट, S2 ऑब्जेक्ट, S3 ऑब्जेक्ट के लिए मैंने देख लिया कि भाई इसके लिए मेमोरी डिक्लेयर तो हो गई है, मेमोरी में एड्रेसेस भी मिल गए, मगर दे आर ब्लैंक, दे आर ब्लैंक, दे आर ब्लैंक। क्यों ब्लैंक है? अब तक तो यूज नहीं किया, अब तक इनको यूज नहीं किया गया। तो देखो आपने मेन फंक्शन में एक और फोकस करो, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, वेरिएबल ए के लिए मेमोरी ऑक्यूपाइड है और उसको मेमोरी एड्रेस भी दिया गया है, वेरिएबल बी के लिए 20 वैल्यू दिया गया है तो उसके लिए भी मेमोरी एड्रेस दिया गया है, मेमोरी ऑक्यूपाइड है, बराबर के नहीं? मेमोरी ऑक्यूपाइड है कि नहीं? सबको रिप्लाई करना, बाय टाइप करो ना बस, ठीक है। द मोमेंट मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट किया, द मोमेंट मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट किया तो पुट डेटा फंक्शन कॉल होगा, पुट डेटा फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आकर पुट डेटा फंक्शन बैठ जाएगा, पुट डेटा फंक्शन बैठ जाएगा, बराबर। तो मेन फंक्शन यहाँ पे है, पुट डेटा फंक्शन उसके ऊपर आया, तो मेरे को ये बताओ जब पुट डेटा फंक्शन का काम हो जाएगा तो सबसे पहले कौन निकलेगा बाहर? पुट डेटा के लिए पी लिखो, मेन के लिए एम लिखो, क्योंकि स्टैक है ना, उससे आखिरी में कौन आया? पुट डेटा आया, तो सबसे पहले कौन निकलेगा फिर? एग्जैक्टली, पुट डेटा बाहर निकलेगा, इसका काम जब हो जाएगा तो ये पुट डेटा सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो सबसे तो मेन फंक्शन में हम लोग क्या थे, हम लोग इसको रन किए, द मोमेंट में ये लाइन को रन किया तो ये फंक्शन ने क्या किया, ये फंक्शन ने टेन है, बी में क्या वैल्यू है 20 है, यहाँ से आया, बराबर। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो आपने फंक्शन कॉल किया थ्रू द ऑब्जेक्ट S1, थ्रू द ऑब्जेक्ट S1, तो जब फंक्शन कॉल करके आप जब यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इसके अंदर डालोगे, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ए जो है, ए की वैल्यू जो आपने यहाँ पे 10 डाला है, बी की वैल्यू जो 20 है, फंक्शन कॉल से आप यहाँ पहुंचोगे तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, मतलब 10 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, समझा? तो देखो मेन फंक्शन तो यहाँ पे दिख रहा है, पुट डेटा फंक्शन मेरा रन होना शुरू हो गया, तो पुट डेटा के लिए 10 यहाँ पे आया और एच की वैल्यू 20 आ गई। यही मेमोरी एड्रेस, यही मेमोरी एड्रेस मेरे पास रिजर्व है, और ये पहले खाली पड़ा था, अब ये भर गया, भर गया क्या? नहीं, बराबर ना? तो ये जो रोल के अंदर आपने 10 डाला, ये एज के अंदर 20 डाला, तो ये रैम के अंदर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट S1 के लिए, S1 ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, 10 की वैल्यू चली गई, 20 की वैल्यू इसमें रिजर्व हो गई, ठीक है। अब जब आउटपुट, ये जो प्रोग्राम रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, तो आउटपुट स्क्रीन में
आपको क्या लिख कर आएगा, आउटपुट स्क्रीन जो हमारी स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन उसमें ये लाइन लिख कर आएगी, क्लास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट S1 है ना, फिर लिख कर आएगा रोल, इस रोल में क्या रखा है 10, यहाँ लिख कर आएगा 10, एज इज 20, यहाँ पे लिख कर आएगा 20, एज इज 20, समझा। और ये वैल्यू आई कहाँ से, क्योंकि आपने रैम में डाल दिया उसको, वाया दिस फंक्शन, रैम में यहाँ पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, पे खत्म हो गया। अब इस फंक्शन की कोई जरूरत है, जरूरत नहीं है। तो सिंपल S1 ऑब्जेक्ट ने जो इस फंक्शन को यूज कर रहा था वो अभी डज नॉट एग्जिस्ट, रिलीज हो गई। तो सबसे पहले कौन बाहर निकला, ऑब्वियसली पुट डेटा बाहर निकला, मेन फंक्शन अभी भी पड़ा है अंदर, अभी भी पड़ा है। बट याद रखो S1 ऑब्जेक्ट फंक्शन मेमोरी इज रिलीज, बट वेरिएबल मेमोरी विल रिमेन इंटैक्ट, वेरिएबल रिमेन मेमोरी विल रिमेन इंटैक्ट। तो S1 ऑब्जेक्ट ने जो वेरिएबल मेमोरी रोल और एज में जो वैल्यू डाला था 10 एंड 20, वो अभी भी रैम में मौजूद है, दिख रहा है ना, रैम में मौजूद है। तो यही लाइन यहाँ बोलती है कि मैं द मेंबर फंक्शन मतलब पुट डेटा आर क्रिएटेड एंड प्लेस इन द मेमोरी स्पेस ओनली वन। देखो वहां पे आया था पुट डेटा और आया चला गया, सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू दैट क्लास यूज द सेम फंक्शन। अभी बहुत सारी ऑब्जेक्ट, अभी S1 का काम हुआ ना, अब इसके बाद S2 का काम होगा, S2 भी गेट डेटा फंक्शन को यूज करेगा या पुट डेटा फंक्शन को यूज करेगा, तो वापस से उसके लिए मेमोरी अलग से नहीं बनाई जाएगी, वही जगह वापस यूज होगी, वही मेंबर फंक्शन की जगह यूज होगी, बट वेरिएबल्स विल हैव अ सेपरेट मेमोरी, ओनली स्पेस फॉर मेंबर वेरिएबल इज एलोकेटेड सेपरेटली, ओनली स्पेस फॉर द मेंबर वेरिएबल्स आर एलोकेटेड सेपरेटली, समझ में आया। तो अब देखो, अब जब मैं ऑब्जेक्ट टू के लिए करता हूं, अभी ऑब्जेक्ट टू के लिए करते हैं, अब ऑब्जेक्ट टू के लिए जाएंगे, अब जब मैं S2 ऑब्जेक्ट, S1 नहीं रन हो रहा है, S2 ऑब्जेक्ट रन हो रहा है, इसके लिए भी 10 वेरिएबल की वैल्यू देखो क्या है, 30 एंड 40 है। अभी देखो मेन फंक्शन में A की वैल्यू क्या है 30, B की वैल्यू 40, मेमोरी एड्रेस वही है 10 जो पहले था, अब A में गया क्या 30, B में क्या गया 40, ये फंक्शन कॉल है। तो अब जब मैं इसमें आता हूं तो ऑब्वियसली देखो वैसे वही फंक्शन मेमोरी स्पेस ले रहा है, तो अलग से मेमोरी स्पेस नहीं कंज्यूम कर रहा, सेम मेमोरी स्पेस कर रहा, बट वेरिएबल्स विल हैव डिफरेंट मेमोरी। यहाँ पे देखो 3036 है, पहले मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल वॉज 1026, अभी मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल इज 3036, अब ये 30 मेरा यहाँ आया है, ये 40 मेरा, क्लियर है, ये मेरा 40 यहाँ। तो जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो लेकर आएगा क्लास स्टूडेंट फॉर ऑब्जेक्ट S1 S2, फिर यहाँ पे रोल नंबर इज रोल जो कि 30, फिर रोल एज इज 40, ये 30 40 मिल कहाँ से रहे, देखो यहाँ से, यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से मिल, ठीक है। तो आउटपुट स्क्रीन में इस बार अब क्या लिख कर आएगा आपको, देखो नीचे दिया है क्लास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट S2 रोल नंबर इज 30 एज इज 40, एज इज 40 दिख रहा है इधर पे नीचे, ऐसा आउटपुट आपको लिखकर आ रहा है। फिर अब जब थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए जाओगे तो वापस से आप पुट डेटा फंक्शन कॉल करोगे तो ये चला जाएगा, S2 ऑब्जेक्ट के लिए गायब हो जाएगा, ये वाला एरिया चला जाएगा, बट इसके जाने से वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी थी वो नहीं जाएगी, वो अपनी जगह पर रहेगी, खाली फंक्शन के लिए आपने ये जो मेमोरी स्पेस लिया है ये वाला, ये चली जाएगी, ठीक है। तो देखो अब जब मैं इसमें जाता हूँ S3 के लिए, S3 के लिए जब मैं जाता हूँ, अब देखो S3 ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन वही कॉल हुआ, जैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, A के अंदर इस बार 50 है 60 है, रैम के अंदर देखो 50 है 60 है, A में मेरा 50 गया, B में मेरा 60 गया, अब ये ही वैल्यू मेरी रोल नंबर रोल में A की वैल्यू जाएगी, एज में B, जो कि 50 यहाँ पे 60 यहाँ पे। अब जब आप
ये फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो वापस से इसने वही मेमोरी फंक्शन की मेमोरी स्पेस लिया, बट रोल नंबर और वेरिएबल के लिए सेपरेट मेमोरी स्पेस लिया, रोल नंबर और वेरिएबल के लिए सेपरेट मेमोरी स्पेस लिया। तो स्टूडेंट की इस वक्त रोल नंबर क्या है 50, एज क्या है 60, बराबर हर स्टूडेंट की एज शायद एक हो सकती है ना, अगर क्लास में 10 स्टूडेंट है सबकी उम्र 20 साल 15 साल हो सकती है, बट हर किसी का रोल नंबर सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसीलिए इनके लिए सेपरेट मेमोरी लगती है। क्या लगती है? सेपरेट मेमोरी, फंक्शन के लिए सेम मेमोरी, क्योंकि वो टेम्पररी काम हो रहा है। वो क्या हो रहा है? टेम्पररी काम। तो वैसे ही जब मैं यहाँ पे आता हूँ और जब मैं इसको, जैसे मेरा फंक्शन का काम S3 का भी काम हो जाता है, तो S3 के लिए भी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिलीज हो गई, फंक्शन की मेमोरी जो इसने जगह घेर के रखा था यहाँ पे वो मेमोरी रिलीज हो गई, बट वेरिएबल की मेमोरी इंटैक्ट है, वेरिएबल की मेमोरी इंटैक्ट है, ठीक है। और इसका आउटपुट भी मेरे को ऐसा ही लिख कर आ रहा है, क्लास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट S3 रोल नंबर इज 50, एज इज 60, दिख रहा है, एज इज 60। तो इस तरीके से हम लोग इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, हर ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर और एज की सेपरेट मेमोरी होगी, रोल नंबर एज की सेपरेट मेमोरी होगी, रोल नंबर एज की सेपरेट मेमोरी होगी। सेपरेट मेमोरी कैसे बोला मैंने? मेमोरी एड्रेस देखो अलग है ना, इसका मेमोरी एड्रेस देखो अलग है ना, इसका मेमोरी एड्रेस देखो अलग है ना। और मगर फंक्शन तो आप सेम यूज कर रहे थे, फंक्शन तो सेम यूज कर रहे थे, और इन तीनों के टाइम पे जब आप इसको कॉल कर रहे थे तो ये जगह घेर रहा था, S1 ऑब्जेक्ट के लिए काम हो गया बाहर आ गए, फिर S2 ऑब्जेक्ट के लिए ये जगह घेरा काम हो गया बाहर आ गए, S3 ऑब्जेक्ट के लिए जगह घेरा काम हो गया बाहर आ गए, समझ ना है। तो इस तरीके से मेमोरी का इस्तेमाल होता है रैम के अंदर, ठीक है। आज का कंसेप्ट थोड़ा बहुत ज्यादा डीप में था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में हम लोग घुसे हैं, ये रीजन था कि मैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग को बहुत रिपीट कर रहा था, रिपीट कर रहा था, एक एक प्रोग्राम को कितना रिपीट किया, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। जब हम लोग ऐसे डीप कंसेप्ट में जाएंगे तो पुराने बेसिक कंसेप्ट हमको दिमाग से उड़ना नहीं चाहिए, मतलब बेसिक ही गायब हुआ तो ये एडवांस कंसेप्ट नहीं समझना है, ठीक है। तो हाउ मेमोरीज एलोकेटेड, मेमोरीज एलोकेटेड लाइक दिस। मगर इसको आंसर पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लिखेंगे? आंसर पॉइंट ऑफ व्यू में आप ये लाइन से लिखें, बस ये 4 लाइन लिखना है। जब भी मैंने बताया कि जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो S1 S2 S3 ऐसा डिक्लेयर करते हो, सेपरेट मेमोरी S1 की सेपरेट मेमोरी, S2 की सेपरेट मेमोरी, S3 की सेपरेट मेमोरी बन जाती है, मगर वो खाली मेमोरी होती है, भरती नहीं है, खाली रहती है। मेंबर फंक्शंस आर क्रिएटेड एंड प्लेस इन द मेमोरी स्पेस ओनली वन, हर ऑब्जेक्ट सिंस एक ही फंक्शन को यूज करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई हर फंक्शन के वापस से मेमोरी सेपरेट होगी, नहीं, फंक्शन के लिए कॉमन मेमोरी है। अब फूड डेटा जो फंक्शन हमने बनाया था वो S1 के लिए भी यही काम करने के लिए, यही काम करने के लिए सेम मेमोरी है, और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आप बना लो तो हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार सेपरेट मेमोरी नहीं होने वाली है, बट सिंस ऑब्जेक्ट अलग अलग है उनकी मेमोरीज अलग अलग होगी, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल्स के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व होगी रैम में, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली लिखना है, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए कैसा बनाएगा डायग्राम? इसका डायग्राम आप बनाएंगे ऐसा, वो जो डायग्राम मैंने बनाया वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी जगह आप डायग्राम ऐसा बनाएंगे, अगर पेपर थ्योरेटिकल पेपर रहा था तो कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, तो ये समझो ये मेरा गेट डेटा है, ये मेरा फूड डेटा, अभी मैंने फिलहाल तो एक ही फूड डेटा वाला ही फंक्शन लिया था उधर पे, तो फूड डेटा। अब ये ऑब्जेक्ट S1 है, ये ऑब्जेक्ट S1 S2 S3, तो जब ऑब्जेक्ट S1 इस फंक्शन को कॉल करेगा तो रोल नंबर के लिए अलग मेमोरी होगी, एज के लिए अलग मेमोरी होगी, मेंबर वेरिएबल्स है ना वो, बराबर। तो S2 के लिए रोल नंबर के लिए वेरिएबल मेमोरी अलग होगी और एज के लिए वेरिएबल मेमोरी अलग होगी, S3 के लिए वेरिएबल रोल नंबर मेमोरी अलग होगी, एज मेमोरी अलग होगी, बट गेट डेटा फंक्शन जो हम लोग कॉल करेंगे, तो डेटा फंक्शन हम जब कॉल करेंगे दे विल हैव अ सेम, दे विल हैव अ सेम मेमोरी, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का कितने बजे? मैंने अभी क्या बताया, मेन फंक्शन के लिए पूछ रहे आप? अच्छा, मेन फंक्शन के लिए उसी अंदर ये जो रैम है ना, रैम इसने जगह घेर के रखा है ना, ये जब तक तो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा ये इसकी जगह इधर ही रहेगी। जैसे इसका भी काम हो जाएगा तब ये रिलीज होगा, तब ये रिलीज होगा। मेन फंक्शन काम हो जाएगा तब ये रिलीज होगा, तब तक ये भी यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो इसके बाद मेरे लेक्चर के बाद शायद आप लोग को डीएमएस का लेक्चर है ना, और डीएमएस के बाद फिर मेरा है। मैं 1 बजे जो लेने वाला मैसेज डाला था। ठीक है, तो 1 बजे मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। और दूसरा चीज, आयशा क्या पूछ रहे थे आप, मतलब सर एग्जीक्यूट होने के बाद? सर, आप वो मेन फंक्शन का बोल रहे थे ना, तो उसमें एग्जीक्यूट होने के पूरा बाद वहां से हट जाएगा क्या? मतलब कंप्लीट होने के बाद हट जाएगा, पूरा कंप्लीट आउटपुट एग्जीक्यूट हो मिलने के जाएगा। बाद मतलब सर? जब लास्ट लाइन क्या है आपकी मेन फंक्शन की, गेट सी एच, बराबर। जैसे यस गेट सी एच आया तो मतलब आउटपुट की वो काली वाली स्क्रीन आती है, काली वाली सर, स्क्रीन आ गई, ये वाली काली स्क्रीन आ गई। और जैसे गेट सी एच आया, काली स्क्रीन आ गई, खत्म। मतलब आप काम खत्म, आप इधर पहुंचे, मतलब आपका मेन फंक्शन का भी काम खत्म हो गया। तो अब ये सब, ये दोनों हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा, तो स्टैक फिर से खाली हो जाएगा। फिर आप नया प्रोग्राम करोगे, फिर नया प्रोग्राम का मेन फंक्शन ही करता है, समझे? ऐसा चलता है। तो रैम इटसेल्फ इज अ टेम्पररी मेमोरी, राइट? यहाँ पे हर चीज टेम्पररी है, मगर तो वो टेम्पररी के अंदर भी कुछ चीजें कुछ ज्यादा वक्त तक टिकते हैं, कुछ कम वक्त तक टिकते हैं। तो मेन ज्यादा वक्त तक टिकता है, और ये तो एज पर द रिक्वायरमेंट टिकता है। और ये जो वैल्यूज हैं इनको जब तक आप सेफ नहीं करोगे तब तक हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा, अदरवाइज वो रैम के अंदर ही स्टोर रहेगा। क्योंकि ये जो वैल्यूज है, ये कौन सी वैल्यूज है, ये रिक्वायर्ड वैल्यूज है, हमको चाहिए, मगर ये भी टेम्पररी ही है। सी प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं फिलहाल, इट इज ऑल्सो टेम्पररी वैल्यू। देखो, आप लोग टीवी देखते हो, टीवी में रिमोट से कंट्रोल करते हैं, बराबर, चैनल बदलते हैं, चैनल का नंबर डालते हैं तो वो चैनल खुल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन करते हैं तो खुलता है। तो स्मार्ट टीवी आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्मार्ट टीवी में भी रॉम होता है, उसमें भी आप जब रिमोट से वैल्यूज चेंज कर रहे हो, आप वॉल्यूम कर रहे हो, डाउन वॉल्यूम कर रहे हो, तो वो वैल्यू जो जा रही है उधर पे, उसके हिसाब से एक्शन हो रहा है, वॉल्यूम अप हो रहा है, मगर जो वॉल्यूम नंबर था वो स्टोर होता है क्या? नहीं, वो स्टोर नहीं होता, परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो टेम्पररीली स्टोर होता है। तो रैम, जहाँ पे जो रॉम मेमोरी होती है, रैम की जगह रॉम यूज होती है, रैंडम ऑब्जेक्ट मेमोरी, वो फॉर याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो वो जो रॉम है वहाँ पे यूज होता है, वो भी टेम्पररी मेमोरी है, मगर परमानेंट डेटाबेस टाइप की मेमोरी नहीं होती कि भाई आप 1 महीने बाद, ऐसा नहीं। हाँ, मगर टीवी जब बंद करके चालू करते हैं तो जिस वॉल्यूम में आपने उसको स्विच ऑफ किया था उसी वॉल्यूम से वो वापस रिटर्न आता है, बराबर। आप उसी वॉल्यूम से ही, जितने वॉल्यूम में समझो 50 वॉल्यूम में आपने टीवी को बंद कर दिया था और चालू किया, अचानक भया करके आवाज आई, तो वो कौन सी मेमोरी में गया? वो रॉम मेमोरी में। बट इट इज नॉट फॉर परमानेंट, वो खाली उस पीरियड तक ही रहता है, ठीक है, इसको हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक डेटाबेस, डेटाबेस में आप रोल नंबर, अभी किसी का 10 है 20, हाँ भाई वो साल भर के लिए उसका रोल नंबर 10 20 रहने ही वाला है, तो फिर वहां पे अपने को लगेगा। हाँ, रीड ओनली मेमोरी, बराबर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो चीज मैंने आपको दिखाया ना, ये रैम को कंप्यूटर में से रैम को खोल के निकालोगे, ठीक है, और रैम को हाथ में लेके देखोगे तो नहीं नजर आना। तो दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, ये आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा आपको, तो रैम कैसे काम करता है, ओके, तो
काफी पेड वीडियोस आते हैं इसके, उन वीडियोस